आपको लेकर चर्चाएं हैं कि आप इस बार जो है कि लोकसभा चुनाव में उतर सकते हैं। आज हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जनता की भलाई हम कैसे कर सकते हैं, विकास के काम कैसे कर सकते हैं, जो हमारे साथ चलना चाहेगा तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारे पे मोदी सरकार का कब्जा है, इसलिए कोई बात सच्चाई नहीं पहुंचते, लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे साथ इनेलो नेता सीताराम मौजूद है। कल जो एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है इनेलो का, किस तरीके से देखते हैं आप? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बैकवर्ड समाज का एक बहुत बड़ा सम्मेलन सिरसा जिला के अंदर हो रहा है, और क्योंकि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बैकवर्ड समाज को बड़ा राजनीतिक रूप से ताकत देने का काम किया है, चाहे वो लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर मंत्री बनाने की बात हो। आज जब चुनाव का दौर है, समय है, तो सारा बैकवर्ड समाज वहाँ आके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूती देने का काम करेगा। ये हमने देखा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि दो उप मुख्यमंत्री होंगे, दोनों ही जो है अन्य पिछड़ा वर्ग से भी होंगे, तो ये किस तरीके से देखते हैं? हम ये है कि हमारा सोच है कि जो बैकवर्ड समाज और अनुसूचित जाति से हैं उनको राजनीतिक रूप से और ताकत देने का काम करें, ताकि वो अपने समाज के काम करवा सकें, इसलिए हम उनको, हमारी पार्टी ने ये घोषणा किया। आपको लेकर चर्चाएं हैं कि आप इस बार जो है कि लोकसभा चुनाव में उतर सकते हैं। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, लगातार हमारा परिवार, मेरे पिताजी भी MLA रहे हैं, मुझे भी मौका मिला है 2 बार MLA का, फिर उसके बाद में मैं जिला परिषद का प्रेसिडेंट रहा हूं। पार्टी मुझे चाहे जो भी ड्यूटी लगाए, प्रचार के लिए लगाए, जहां जहां हरियाणा प्रदेश में लगाती है वहां मैं काम करता हूं। ये तो पार्टी की केंद्रीय जो कोर कमेटी होती है वो डिसाइड करती है कि किसको कैसे इलेक्शन लड़वाना है। क्योंकि आप इनेलो के वरिष्ठ नेता हैं, आमतौर पर हमने देखा है कि इंडिया अलायंस की बात होती है, क्या लोकसभा इलेक्शन में कोई है आपके मायने में कि कोई होना चाहिए, पार्टी कोई सोच रही है गठबंधन? हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, आप ये देख के चलिए कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हमारे सबसे बड़े स्ट्रांग नेता हैं, और हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे उनके विरोधी ये भी मानते हैं कि भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सबसे दोबारा से जो असली लोकदल है वो बहुत मजबूती से उभर के आया है, जो जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए, चाहे विधानसभा के अंदर हो, हर एक बात को उठाने का प्रयास किया। आज लगातार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, काफिला बढ़ता जा रहा है। आज हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जनता की भलाई हम कैसे कर सकते हैं, विकास के काम कैसे कर सकते हैं, जो हमारे साथ चलना चाहेगा तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। ये जो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हो रहा है, इसमें क्या उनके लिए घोषणाएं होंगी, या राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो उनको जो है कहीं ना कहीं अगर सरकार बनती है तो उनको शामिल करने की कोशिश रहेगी किसी न किसी पर? जो पिछड़ा वर्ग का किसी ने राजनीतिक रूप से किसी ने उनको ताकत देने का काम किया तो वो चौधरी देवीलाल जी हैं। उन्होंने बहुत से, चाहे वो प्रजापत समाज से हो, चाहे वो वर्मा समाज से हो और हो, सबको लोकसभा और विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में भेजा है। जब जब ताकत मिली, मंत्री बनाने की बात हो तो उस टाइम भी मंत्री बनाया, आप चाहे आज डिप्टी स्पीकर हैं रणवीर गंगवा जी, उनको भी पहले राज्यसभा के अंदर भेजने का काम किया, उससे पहले कश्यप समाज को राज्यसभा के अंदर भेजने का काम किया, परमानंद जी थे उनको मिनिस्टर बनाने का काम किया, हमारे गांव से थे वर्मा जी, उनको पहले MLA बरवाड़ा से बनाया, उसके बाद में लोकसभा का इलेक्शन लड़ाया। तो लगातार हमारा, हम सिर्फ राजनीतिक नहीं, हम ये भी देखते हैं कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक रूप से कमज़ोर थे लेकिन इनकी संख्या भी बहुत थी, तो उनको कैसे हम राजनीतिक रूप से ताकत दें ताकि वो अपने समाज की बात कर सकें। हम समाज को जोड़ने में विश्वास करते हैं, जो कहीं ना कहीं जिनकी अनदेखी होती है, तो उनको चौधरी देवीलाल जी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने राजनीतिक ताकत देने का काम किया है, और आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब वो सब पार्टियों को देख चुके हैं। कई बार देखा है कि ऐसे मोदी लहर थी तो लोग कई बार भावनाओं में बह गए, लेकिन अब उनको एहसास होने लगा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उनकी सच्ची हितैषी है। मोदी लहर तो लोग अब भी कह रहे हैं कि, मोदी जी खुद कह रहे हैं कि अगली बार जो है लाल किले पर झंडा भी मैं ही फहराऊंगा, बताइए। देखो देखो, पूरा विश्वास है उनको। देखो पता है क्या है, जब राज ऐसी चीज होती है जो सामंतवादी हो जाते हैं, जो राजशाही हो जाती है ना, जब राज के अंदर कभी किसी को सब हरा ही हरा नजर आता है,
और जब जमीन नीचे से खिसकती है किसी को पता नहीं चलता, फिर वो ये सोचते हैं कि ये क्या हुआ। क्योंकि अब ये मान के चलो आज प्रजातंत्र एक प्रणाली है, उसको कहीं ना कहीं आम लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं, उनकी पार्टी के अंदर भी वन मैन शो है, किसी की आप मंत्री किसी को जानते हो, दो चार के अलावा किसी का नाम नहीं जानते, और मुख्यमंत्री भी ऐसे बनाते हैं डम्मी टाइप, ताकि इनडायरेक्ट रूप से वही चला रहे हैं। तो ये कोई प्रजातंत्र के अंदर अच्छी बात नहीं है, ये लंबे समय मतलब बहुत नुकसानदायक है प्रजातांत्रिक प्रणाली को। लोगों को ये बात समझनी चाहिए, हमारे नेताओं को दिखाते हैं, लेकिन जो बड़ा सिस्टम है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सारे पे मोदी सरकार का कब्जा है। तो इसलिए कोई बात सच्चाई नहीं पहुँचते, लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं। पर लोग ये भी कहते हैं कि भी इनका विरोध इतना है, वोट कहाँ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग और पार्टियां ईवीएम पे भी शक करती हैं। ये जहाँ शक हो उस चीज़ को जो मौजूदा सरकार है उसको निराकरण करना चाहिए। आप ये देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले कितने खिलाफ आए हैं, लेकिन सरकार की कोई तानाशाह सरकार है इसलिए सरकार के पास तो पावर है ना, वो बिल लाके बदल देती है उसको। हाँ, बदल देती है। और दूसरा आप ये देखिए, अगर कोई बात करते हैं हम रुपये की वैल्यू क्यों गिर रही है, आज लगातार प्रदेश के अंदर जो अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, या नशा बिक रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, विकास के दावे जरूर किए जाते हैं लेकिन हकीकत में लोग बड़े परेशान हैं, तो उनकी बातों की तरफ कोई ध्यान कोई बात करता है, या उनको फोर्सफुली कहते हैं कि हमारा जो बीजेपी का पैटर्न है उसको फॉलो करो, जो उनको फॉलो ना करे कहते ये देश विरोधी है, ये देश का भला नहीं चाहते, ये परमात्मा को नहीं मानते, ऐसी बातें करते हैं, लोगों को मतलब उनको हौसला गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता अगर सही है और उनको सही बात इस झूठ तंत्र से निकल गए तो उनका सफाया हो सकता है। आपने कहा कि डम्मी सीएम को लाके बिठा देते हैं, तो 2024 के चुनाव में क्या हम कोई धाकड़ सीएम को देखने वाले हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि देखो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियां थी, जो लोग हमें ये कहा करते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल ख़त्म हो गई है, आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सबसे मजबूत पार्टी उभर के आई है, जिसके अंदर पार्टी के अंदर कहीं कोई असमंजस नहीं है, सब एक डिसिप्लिन पार्टी है, वर्कर्स की पार्टी है। आज लोगों को लगने लगा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और उसके नेता हैं जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, वही एक सच्चे नेता हैं, जो बात कहते हैं उसको पूरा करते हैं, और उनकी एक सोच है कि जो ये नशा है इसको जड़ से मिटाएंगे, आम लोगों को बिजली से कैसे राहत दिलवाएं, नौजवान साथियों को कैसे पक्की नौकरियां दें जो इनका लगातार शोषण हो रहा है, और समाज के अंदर एक तालमेल रहे, सबको उसका हक मिले, उसके लिए हमारा प्रयास है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर सीताराम जो कि पूर्व MLA हैं। इन्होंने बताया कि कल जो INLD का प्रोग्राम है, पिछड़े वर्ग का सम्मेलन जो रखा गया है, वो एक तरह की एक बड़ी रैली है और उसमें सभी का मान सम्मान जो है वो किया जाएगा। और साथ ही इन्होंने बताया कि आने वाले चुनाव को लेकर INLD किस तरीके से तैयार है पूरे हरियाणा के अंदर, ये भी इन्होंने बताने की कोशिश की है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, नमस्कार।